अभी इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो ये जो रिलेशनशिप है वो एम्पिरिकल रिलेशनशिप बोला जाता है और जिसकी फॉर्मूला हमने लिखी है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सबसे पहले ये इस तरह भी लिखा जाता है, दूसरी तरह मैं लिखता हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको बहुत अलग अलग तरीके से होगा। तो पहले आपको लिखना है तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो, आप लिखो 2 मीन को हम ये साइड ले गए तो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड, ऐसे भी लिखा जाता है। आगे जाएंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइड बाई 2। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आप बोलोगे सर ऐसे भी लिख सकते हो, मीडियन को इस बार इस साइड ले जाओ तो 3 मीडियन इज इक्वल टू माइनस मोड हो जाएगा, मोड माइनस 2 मीन। तो आप बोलोगे सर ये माइनस कॉमन निकाल देंगे तो इसका हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू माइनस मोड माइनस 2 मीन डिवाइड बाय 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब आपको वो समझना है, वैल्यू पुट करोगे तो ऑटोमेटिक प्लस माइनस की इफेक्ट चली जाएगी, जो भी होगा वो सम में वैल्यू होते ही आपको आ जाएगा। लेकिन आपको ये फॉर्मूला पता हो, कई जगह पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही सर हमें तो लिखी हुई है, हमने एक नहीं लिखी, एक साथ में ही लिखी है तीनों, लेकिन इसको बस हम आगे पीछे करके तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अभी हम चालू करेंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए 3 सम कर दे रहे हैं तो वो आपको करना है, एक स्टेप बाय स्टेप हम ही करते हैं, आपको खाली देखते जाना है और जहाँ लगे वहाँ पूरा लिख देना है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 1। सम नंबर 1 में क्या इन्फॉर्मेशन है? तो आपने बोलोगे सर मीडियन दिया हुआ है 137 यूनिट्स। क्या दिया हुआ है? मीडियन दिया हुआ है 137 यूनिट्स। एंड द मीन कितना दिया हुआ है? तो मीन दिया हुआ है 137.05। तो आप बोलोगे सर पहले 2 लिख दो जो दिया हुआ है वो, मीडियन इज इक्वल टू 137 एंड आप बोलोगे सर मीन इज इक्वल टू 137.05। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होगा आप बोलोगे सर इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, मोड फाइंड आउट करना है, यही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होगी। 3 मीडियन की जगह आप क्या लिखोगे? 137 और मीन की जगह आप लिखोगे 137.05। मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो होगा 411 माइनस 274.1 और फाइनल आंसर आपका होगा 136.09। ये हमारा हो गया मोड जो हमें ढूंढना था। आप बोलोगे सर ये तो वैल्यू पुट करना है और आंसर आ रहा है, सेम वैसा है लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा और गूगली क्वेश्चन होता है, प्लस माइनस की गलती आप करोगे, इसके सिवा इसमें कुछ गलती नहीं होगी, फॉर्मूला याद रखनी है आपको खाली। अभी दूसरा सम देखते हैं। तो अभी आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है? तो मीन दिया हुआ है तो हम लिखते जाते हैं मीन एंड मीडियन। तो यहाँ पर लिखते हैं मीन इज इक्वल टू एंड मीडियन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर मीन दिया हुआ है 9.5 और 10, 9.5 एंड 10। फाइंड आउट क्या करना है? मोड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सही तरह लिखना भूलना नहीं, तब भी आपको याद रहेगा बाद में। तो आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, तो अभी लिखो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 इंटू मीन ऐसे बोलना चाहिए। तो अभी लिखेंगे मीडियन की जगह 3, मीडियन है 10, 2 मीन है 9.5। तो आप बोलोगे सर यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा, 30 माइनस 90 तो आप बोलोगे 11। ये हमारा सम हो गया 2। बहुत इजी सम है, आपको जेन्युइनली समझ में आ जाएगा। थर्ड वाला थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा अच्छा वाला है। थर्ड वाले में क्या इन्फॉर्मेशन है? तो आप बोलोगे सर मीन मोड एंड मीन ऑफ अ डेटा आर 12K एंड 15K। तो आप बोलोगे सर इसमें 12K और 15K दिया हुआ, ये तो हमें कैसे पता चलेगा?
तो आपको के से क्या दिक्कत है, आपको जैसे सम करना है वैसे ही इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले लिखो मोड इज इक्वल टू 12k एंड मीन इज इक्वल टू 15k, इतना दिया हुआ है। बाद में बोला गया है कि फाइंड आउट करो मीडियन ऑफ अ डेटा, आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन हमारे पास नहीं है तो आप फॉर्मूला लिखोगे मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आप बोलोगे सर 3 की मोड की जगह आप क्या लिखोगे, मोड की जगह हम लिखेंगे 12k, 3 मीडियन की जगह वही लिखेंगे और 2 मीन की जगह यहाँ हो जाएगा 15k। जैसे ये होगा तो 12k एज इट इज ही रहेगा, इसको लिखते हैं 3 मीडियन और यहाँ हो जाएगा 30k। के को हम ये साइड ले जा रहे हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, 12k प्लस 30k ये प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है तो वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 3 मीडियन तो 42k डिवाइड बाय 3 मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 14k। बस k तो वैसे ही बना रहेगा। तो आप बोलोगे मीडियन का आंसर सर कितना आएगा, 14k। आपको ये दो सम करना है।